हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लिया हुआ है। और आप साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों के मामले में भारत का कौन सा राज्य दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, पहला केरल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। और ट्रैवल मीडिया कंपनी लोनली प्लैनेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों के मामले में भारत का मध्य प्रदेश राज्य दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को वर्ष 2020 के लिए दुनिया के बेहतरीन पर्यटन स्थलों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका के किस शहर में गिटार सा दिखने वाला दुनिया का पहला होटल तैयार किया गया है। ऑप्शन 4 है, पहला अलास्का, दूसरा है अल्बामा, तीसरा है फ्लोरिडा और चौथा है कैलिफोर्निया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, फ्लोरिडा सही हो जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में गिटार सा दिखने वाला दुनिया का पहला होटल तैयार किया गया है। इस होटल में 36 मंजिले और 1200 कमरे हैं, साथ ही साथ होटल में 7000 सीटों वाला कैसिनो भी है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश की महिला सांसद केटी हिल ने कर्मचारी के साथ संबंधों के आरोप के बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन 4 है, पहला अमेरिका महिला सांसद, दूसरा है जापान महिला सांसद, तीसरा है भारतीय महिला सांसद, चौथा है ब्राज़ील महिला सांसद। ऑप्शन नंबर इसका ए, अमेरिका महिला सांसद सही हो जाएगा। अमेरिका महिला सांसद कैटी हिल ने हाल ही में कर्मचारी के साथ संबंधों के आरोप के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कैलिफोर्निया डेमोक्रेट ने आरोप से इनकार कर दिया है। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एथिक्स कमेटी ने ब्लॉग रेड स्टेट के आरोप के बाद जांच शुरू कर दी है। चौथा प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस आतंकी संगठन के सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की घोषणा की है। ऑप्शन 4 है, पहला इस्लामिक स्टेट, दूसरा है बोको हराम, तीसरा है लश्कर ए तैयबा, चौथा है जमा इस्लामिक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, इस्लामिक स्टेट सही हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज ने सीरियाई प्रांत इदलीब के सुदूर गाँव में विशेष अभियान के तहत अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया। पांचवा प्रश्न, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को हाल ही में किसने मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। ऑप्शन 4 है, पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है रामनाथ कोविंद, चौथा है रामविलास पासवान। तो ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद सही हो जाएगा। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को हाल ही में रामनाथ कोविंद ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करने के लिए मंजूरी दे दी है। अरविंद बोबड़े 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश पद पर शपथ लेंगे। 63 वर्षीय जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। छठवां प्रश्न है, किस रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी और सुस्त आर्थिक वृद्धि की वजह से खाड़ी के कई देशों में अशांति बढ़ रही है। ऑप्शन आपका पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और चौथा है मुद्दीज। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी और सुस्त आर्थिक वृद्धि की वजह से खाड़ी के कई देशों में अशांति और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अशांति की वजह से पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में वृद्धि दर प्रभावित हुई है। सातवां प्रश्न है, HBR के द्वारा जारी वर्ष 2019 के दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले CEO की सूची के टॉप 10 में कितने भारतीय मूल के CEO को स्थान मिला है। ऑप्शन आपके पहला है 2 CEO, दूसरा है 3 CEO, चौथा है 5 CEO और चौथा है एक भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 20, 3 CEO सही हो जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के द्वारा जारी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले CEO को 2019 की सूची के टॉप 10 में भारतीय मूल के 3 CEO को स्थान मिला है। छठे स्थान पर अडोबी के शांतनु नारायण, सातवें स्थान पर मास्टर कार्ड के CEO अजय बग्गा और नौवें स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर लेह में शपथ ली है।
ऑप्शन आपके पहला राधा कृष्ण माथुर हैं, दूसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू, और तीसरा है गीता मित्तल, और चौथा है बीवीआर सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राधा कृष्ण माथुर सही हो जाएगा। हाल ही में राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर लेह में शपथ ली है, साथ ही गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति के नाम से जारी आदेश में दोनों उपराज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। नौवां प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2019 की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपके पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राजस्थान सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2019 की शुरुआत हुई है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेना अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान को इस युद्धाभ्यास द्वारा साझा करेगी। दसवां प्रश्न है, जम्मू, श्रीनगर और लेह के रेडियो स्टेशनों के नाम बदलकर किस नाम से प्रसारण शुरू किया गया है। ऑप्शन पहला है लेह रेडियो और गंगावाणी, दूसरा है ऑनलाइन रेडियो और आकाशवाणी, तीसरा है नेटवर्क रेडियो और गंगावाणी, चौथा है ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सही हो जाएगा। जम्मू, श्रीनगर और लेह के रेडियो स्टेशनों के नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी के नाम से प्रसारण शुरू किया गया है। अब से इन्हें ऑल इंडिया रेडियो जम्मू, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो लद्दाख कहा जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला वियतनाम, दूसरा दिया हुआ है लेबनान, तीसरा दिया हुआ है चीन और चौथा दिया हुआ है जापान। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लेबनान सही हो जाएगा। लेबनान में व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने के पर देश की जनता ने सड़कों पर विरोध किया, जिसके चलते लेबनान के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड।